सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक मार्मिक कथा अध्यात्मिक। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक युद्ध करने के कारण थक गए थे। अतः वे एक शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर अपना कंठ प्रदेश शिर विहीन धड़ पड़ा है और शिर गायब है। यह घटना देखकर देवगण अस्तब्ध रह गए। वे करुणापूर्ण रुदन करने लगे। शव को किंग कर्तव्य मूढ़ देखकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से भगवती जगदम्बा की स्तुति करने को कहा। देवताओं का कष्ट देखकर और इनकी स्तुति सुनकर आदिशक्ति जगदम्बा प्रकट हुई और देवताओं को आश्वासन देते हुए बोली, एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखकर अकारण हंसने लगे थे। दुर्भाग्य से उस समय लक्ष्मी में तामसी भाव आ गया और उन्होंने यह सोच कर कि भगवान विष्णु मेरे मुख को देखकर हंस रहे हैं, शाप दे दिया, तुम्हारा सिर कट जाएगा। इसलिए इनका सिर कट कर लवण सागर में गिर गया है। परंतु इस घटना में भी तुम लोगों का हित ही नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में हय ग्रीव नामक एक दैत्य ने मेरे मायावी बीज मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हुई और उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने यह वरदान मांगा कि मेरे ही स्वरूप वाले से मेरी मृत्यु होगी। अतः विष्णु के धड़ में एक घोड़े का सिर काट कर लगा दो। ये ही हयग्रीव स्वरूप से उस हयग्रीव नामक दैत्य का वध करेंगे। देवी के ऐसा कहने पर विश्वकर्मा ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से एक घोड़े का सिर काटकर भगवान विष्णु के धड़ पर जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और देवी की कृपा से उन्होंने हयग्रीव दैत्य का वध कर देवताओं को संकट मुक्त कर दिया। सभी देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें असुर से मुक्ति मिल गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।